हेलो दोस्तों मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एम क्लासेस में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी से जुड़े हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वायरस से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस से लिए गए हैं तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप मेरे साथ सॉल्व करिए और देखिए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो वीडियो को ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट टू आइसोलेट ए प्लांट वायरस वाज तो यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे पहले किसने प्लांट वायरस को आइसोलेट किया था आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है डब्ल्यू एम स्टैनले सेकेंड है ई सी स्टेकमेन सेकेंड है आर एम स्मिथ और लास्ट ऑप्शन है डी इवाइनोवस्की तो इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन ए है डब्ल्यू एम स्टैनले यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दू कि डी इवाइनोवेस्की ने सबसे पहले प्लांट वायरस टीएम को खोजा था तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है द कंसेप्ट दैट वायरसेस आर लिविंग इज दैट वायरसेस तो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा बेस्ट फैक्ट है यानी कि कौन सा बेस्ट कंसेप्ट है जो कि सपोर्ट करता है कि वायरसेस जो है वो लिविंग है आपका फर्स्ट ऑप्शन है आर मेड अप ऑफ कॉमन केमिकल सेकेंड ऑप्शन है डुप्लीकेट डेम्सेल्प थर्ड है कॉज डिजीज और फोर्थ है पिनेट्रेट सेल मेम्ब्रेन तो यहाँ पर आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी है डुप्लीकेट डेमसेल्प यानी कि जो वायरसेस होते हैं अपने नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि जब ये होस्ट सेल के अंदर पहुँचते हैं तो अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं और इसी कैरेक्टर के कारण ये माना जाता है कि वायरस जो होते हैं वे लिविंग है तो आपका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर थर्ड है बैक्टीरियो फेज कंसिस्ट ऑफ यानी कि जो बैक्टीरियो फेज वायरस होते हैं वो किससे बने होते हैं आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है फैट्स दूसरा ऑप्शन है डीएनए थर्ड ऑप्शन है न्यूक्लियो प्रोटीन और लास्ट ऑप्शन है प्रोटीन ओनली तो आपको बता दें कि जितने भी वायरस होते हैं वो दो चीजों से मिलकर बने होते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए में से कोई एक ही पाया जाता है तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है न्यूक्लियो प्रोटीन यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों से बने होते हैं चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर क्वेश्चन नंबर फोर है विच इज एन एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी यानी कि कौन सा इनमें कोशिका सिद्धांत का अपवाद है यानी कि कौन कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया दूसरा है फंजाई थर्ड है वायरस और फोर्थ है लाइकेन तो आपका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन सी वायरस इसका रीजन ये है कि जो वायरस होते हैं वे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टर शो करते हैं इस वजह से इन्हें सेल थ्योरी का अपवाद माना जाता है क्वेश्चन नंबर फाइव है जेनेटिक मटेरियल ऑफ टी एम बी इज तो आपको बताना है कि जो टी एम बी वायरस है इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है आर एन ए दूसरा है डी एन ए तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है बोथ और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है नन तो आपको बता दें कि जो टी एम बी वायरस है इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो पाया जाता है आर एन ए तो आपका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर सिक्स है इन ए बैक्टीरियो फेज डी एन ए इज प्रेजेंट इन आपको बताना है कि जो बैक्टीरियो फेज वायरस है उसका डी एन ए कहाँ पर पाया जाता है फर्स्ट ऑप्शन है हेड सेकेंड ऑप्शन है टेल थर्ड ऑप्शन है हेड एंड टेल और लास्ट ऑप्शन है इन टेल फाइबर ओनली तो इसका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन ए हेड तो बैक्टीरियो फेज वायरस में आपने देखा होगा कि हेड वाले रीजन में उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है आप इमेज में भी देख सकते हैं चलते हैं अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर सेवन है साइनोफेज इज ए वायरस दैट अटैक तो यहां पर आपको बताना है कि साइनोफेज वायरस जो कि वायरस की एक कैटेगरी है वो किस पर अटैक करती है तो अगर आप इसके नाम में ही देखें तो साइनो साइनो का मतलब क्या हो गया साइनोफाइसी तो साइनोफाइसी में आप देखते हैं कि कौन आता है ब्लू ग्रीन एलगी आते हैं और फेस का मतलब क्या होता है ईटिंग तो जो साइनोफेज बैक्टीरिया होते हैं वो ब्लू ग्रीन एलगी पर अटैक करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की क्वेश्चन नंबर एट है इंटरफेरॉन इज ए तो इंटरफेरॉन होते क्या हैं आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है लो मॉलिकुलर वेट प्रोटीन विच इनहिबिट्स वायरल मल्टीप्लीकेशन दैट्स मीन्स इंट्रा सेलुलर वायरल रिप्लीकेशन सेकेंड ऑप्शन है आर एन ए यूज फॉर डी एन एंथेसिस थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी नन ऑफ देव तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब कोई वायरस किसी सेल पर अटैक करता है तो उस सेल के अंदर उस वायरस से लड़ने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनती है उस प्रोटीन को हम बोलते हैं इंटरफेरॉन तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन ए है लो मॉलिकुलर वेट प्रोटीन विच इनहिबिट वायरल मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर नाइन है वायरसेस हैव यानी कि वायरस के पास क्या होता है तो अभी मैंने पीछे बताया था कि वायरस के पास कोई एक हो सकता है या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए दोनों कभी नहीं हो सकते तो आपके ऑप्शन दिया हुआ पहला है पहला ऑप्शन है ओनली आर एन ए दूसरा ऑप्शन है ओनली डीएनए तीसरा ऑप्शन है बोथ आर एन एंड डी एन ए और लास्ट ऑप्शन है आइदर आर एन एर और डीएनए तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी अरे चलते हैं अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर टेन है एंजाइम आर एबसेंट इन यानी कि इनमें से किस में एंजाइम नहीं पाया जाता तो सिंपल सा क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी वायरस और इसी कैरेक्टर के कारण वायरस को नॉन लिविंग माना जाता है क्वेश्चन नंबर इलेवन है टीएमबी बी वॉज आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म बाई यानी कि सबसे पहले टीएमबी वायरस को किसने क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था तो याद रखिएगा कि टीएमबी को सबसे पहले डिस्कवर किया था इवाइनोवस्की ने और क्रिस्टल के रूप में आइसोलेट किया था डब्ल्यू एम ने तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है नेम द साइंटिस्ट हु कॉल्ड वायरस एज कंटेजियम वाइबम फ्लूडम तो यहाँ पर आपको बताना है कि कंटेजियम वाइबम फ्लूडम वर्ड किसने दिया था तो यहाँ पर मैं इसका मतलब समझा देता हूँ कंटेजियम का मतलब होता है इन्फेक्सियस वाइवम का मतलब वीवो से है जिसका मतलब होता है लिविंग और फ्लूड का मतलब आप समझ ही रहे हैं तो ये वर्ड सबसे पहले वायरस के लिए यूज़ किया गया था और ये वर्ड आपको बताना है कि किसने दिया था आपके ऑप्शन चार दिए हुए हैं तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है मार्टिनस बिजरिंग आए चलते हैं अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर थर्टीन है वायरसेज आर कंसिडर्ड टू बी यानी कि वायरस के बारे में आप विचार कर सकते हैं तो इसमें से चार ऑप्शन है पहला है लिविंग ऑर्गेनिज सेकेंड है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स थर्ड है ए ट्रांसमिशनल ग्रुप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग और लास्ट ऑप्शन है लिविंग हैव पावर ऑफ हैल्टीप्लीकेशन तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है ए ट्रांजिशनल ग्रुप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की ओर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है ग्रुप ऑफ वायरसेज विच अटैक मेंबर ऑफ मिक्सियोफाइसी आर टर्म एज यानी कि ऐसे वायरसों का समूह जो कि मिग्जोफाइसी या फिर हम कह सकते हैं साइनोफाइसी पर अटैक करता है उन्हें क्या कहते हैं तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि जो साइनोफाइसी है उन पे अटैक करने वाले वायरस को हम बोलते हैं साइनोफेज तो आपका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है हु डिस्कवर्ड साइनोफेजेस यानी कि साइनोफेज वायरस की खोज किसने की थी तो आपका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन सी सफरमैन एंड मोरिस क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है डिटेल्ड स्टडी ऑफ बैक्टीरियो फेज वाज मेड बाय यानी कि बैक्टीरियो फेज के बारे में डिटेल स्टडी किसने दिया था तो इसका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन डी डी हेरल क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है लॉन्गेस्ट नॉन वायरस इज तो इस क्वेश्चन का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी टी क्वेश्चन नंबर एटीन है वायरस एंड बैक्टीरियो फेज आर मेड अप ऑफ तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है इसका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी न्यूक्लियो प्रोटीन चाहे वायरस हो चाहे बैक्टीरियो फेज हो ये सभी न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं यानी कि न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है वेरियॉन रिफर्स टू यानी कि हम विरियॉन किसे कहेंगे आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है कैप्सिड ऑफ वायरस सेकेंड है डेड वायरस थर्ड है न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस और लास्ट है कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन ये दोनों मिलकर ही बनाते हैं virion. तो आप वायरस कहिए चाहे चाहे दोनों का मतलब एक ही है चलते हैं अगले क्वेश्चन की हो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है द स्मॉलेस्ट नोन एजेंट ऑफ ए प्लांट डिजीज इज यानी कि आपको बताना है कि पौधों में सबसे छोटा ऐसा एजेंट जो कि डिजीज कॉज करता है तो आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है वायरस दूसरा है वायरॉइड तीसरा है बैक्टीरिया और लास्ट है माइकोप्लाज्मा तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है व्हाट इज फॉल्स यानी कि इन चार ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट गलत है पहला ऑप्शन दिया हुआ है टी एम वी हैज़ डबल स्टैंडर्ड आर एन ए मालिक्यूल दूसरा ऑप्शन दिया है मोस्ट प्लांट वायरस आर एच एन ए वायरस थर्ड ऑप्शन है बैक्टीरियो फेज हैज़ ए डबल स्टैंडर्ड डी एन ए मालिक्यूल और लास्ट ऑप्शन है मोस्ट एनिमल वायरस आर डी एन ए वायरस तो यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट ऑप्शन ए है टी में डबल स्टैंडर्ड आर नहीं पाए जाते इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आर पाए जाते हैं तो आपका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन ए आ चलते अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर है वन इज पैरासाइट आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इंट्रा सेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया दूसरा है स्लाइम मोल्ड थर्ड है वायरस और लास्ट है ब्लू ग्रीन एलगी तो आपका राइट right ऑप्शन option है ऑप्शन सी वायरसेस तो याद रखिएगा कि जो वायरस है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि इनमें से कौन ऑब्लिगेट पैरासाइट है तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा उसके लिए भी क्या होगा वायरस ही होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है एच आई वी इज ए रेट्रोवाइरस बिकॉज इट्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज कैरीड इन तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एच आई वी एक रेट्रोवाइरस है तो इसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस रूप में होता है तो इस क्वेश्चन का मैं सीधे आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ ऑप्शन है इसका सी सही है आर एन ए इंस्टिड ऑफ डी एन एनि कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है डी एन ए की जगह आर एन ए होता है जबकि मैक्सिमम जो एनिमल पर अटैक करने वाले वायरस होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल डी एन ए होता है लेकिन एच आई वी के केस में डी एन ए की जगह आर एन ए होता है तो यहाँ पर आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन सी है तो यदि आप चाहते हैं कि रेट्रो वायरस क्या होते हैं मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है टी ओ डायनर डिस्कवर्ड यानी कि टी ओ डाइनर ने क्या खोजा था आपके ऑप्शन है पहला है बैक्टीरियो फेज दूसरा है इन्फेक्सियस प्रोटीन तीसरा है फ्री इन्फेक्सियस डी एन ए और लास्ट है फ्री इन्फेक्सियस आर एन ए तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है फ्री इन्फेक्सियस आर एन ए तो आपको बता दें कि टी ओ ने ऐसे वायरस को खोजा जिसमें कि कैप्सिड अप्सेंट था उसमें केवल फ्री इन्फेक्शियस अरण्य था तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि फ्री इन्फेक्शियस आरण्य को क्या हम किसी और नाम से बुला सकते हैं ठीक है क्या इसका कोई और अदर नेम होगा तो अगर कोई अदर नेम है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा और यदि आपको नहीं पता है तो भी कमेंट करके बताइएगा मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका आंसर बताऊंगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है वाट आर प्रियॉन्स यानी कि प्रियॉन्स क्या है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है इन्फेक्सियस प्रोटीन दूसरा है इन्फेक्सियस डी तीसरा है इन्फेक्सियस आर और लास्ट है इन्फेक्सियस जेड डी तो इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन ए है इन्फेक्सियस प्रोटीन तो दोस्तों ये था हमारा वायरस से जुड़ा हुआ 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और यदि आप चाहते हैं कि मैं वायरस से जुड़े हुए और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम क्वेश्चन बनाऊँ तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसका एक अगला पार्ट अपलोड करूँ जिसमें कि वायरस से जुड़े हुए और भी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत